नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां आदिवासियों की मुद्दे पर एक बार फिर से सियासत गर्मा चुकी है। पहले आरक्षण के मुद्दे पर सियासत चरम पर थी कि अब कवासी लखमा ने आदिवासियों को हिंदुओं से अलग बता करके एक नई तरीके की बहस छेड़ दी है। आज चर्चा इसी मसले पर कि क्या आदिवासी हिंदू नहीं है। कवासी लखमा का बयान संयोग है या सिर्फ प्रयोग है? कवासी लखमा का बयान वोट बैंक की राजनीति है, और कवासी लखमा के बयान से कांग्रेस को क्या फायदा होगा या फिर नुकसान? इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढेंगे। साथ में हमारे खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल भी होगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोई पंडित से पूजा नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग हिंदू से अलग है। तो कवासी लखमा एक बार फिर चर्चा में, और इस बार फिर लखमा ने बयानों का बम फोड़ दिया है। पहले लखमा का ये पूरा बयान सुनिए। आदिवासी कोड अलग होना चाहिए, आदिवासी का सर भी अलग होना चाहिए, उसको कोड भारत सरकार को हम लोग पत्र भी लिख रहे हैं। हमारा आदिवासी नेता लोग जगह जगह कर हम धर्म कोड, आदिवासी का धर्म कोड अलग मांग रहे हैं। उधर लखमा के बयान पर बीजेपी की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई है। अलग करने की बात तो माता दंतेश्वरी जो हमारी आराध्य है, प्रमुख शक्तिपीठ है, उसके पुजारी कौन है? क्या बताएंगे कवासी लखमा? और इसके साथ ही साथ जो गुमरगुंडा आश्रम है और सदा प्रेमानंद सरस्वती जी, ये कौन है? आदिवासी है। आदिवासी हिंदू हैं या नहीं, इस पर छत्तीसगढ़ में सियासत गर्म होने लगी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कवासी लखमा का बयान महज संयोग था या फिर कोई प्रयोग? पहले इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आदिवासियों के लिए 29 सीट रिजर्व है। इस समय कांग्रेस के पास 27 और बीजेपी के पास 2 एसटी सीट है। छत्तीसगढ़ में एससी वर्ग के लिए विधानसभा की 10 सीट रिजर्व है। इसमें कांग्रेस के पास 7, बीजेपी के पास 2 और बीएसपी के पास 1 सीट है। मतलब एससी और एसटी वर्ग के लिए कुल 39 सीटें हैं। कांग्रेस ने एससी एसटी की 27 सीटों पर फोकस करने का प्लान बनाया है। इसका मतलब ये हुआ 39 में से अगर 27 घटा दे तो 12 सीटों पर क्या कांग्रेस मजबूत है और 27 पर उसे और मेहनत करने की जरूरत है? छत्तीसगढ़ में करीब 41 सीटों पर एससी एसटी आबादी 50% से ज्यादा है। वहीं छत्तीसगढ़ में 32% से ज्यादा आदिवासी समुदाय के लोग हैं। तो वोट बैंक के ये समीकरण काफी कुछ बयां कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आदिवासी वोट बैंक की ये राजनीति छत्तीसगढ़ की सियासत में क्या गुल खिलाती है। टीम न्यूज स्टेट। तो छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को लेकर के सियासत होती रही है, और एक बार फिर से नई तरीके की सियासत की चर्चा शुरू हो चुकी है। और इसी को जरा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हिंदू धर्म से अलग हैं आदिवासी, और इसी को लेकर के जरा सबसे पहले खास पैनल से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, साथ ही हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता के एस चौहान साहब कार्यक्रम में हैं, और कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता सत्यप्रकाश सिंह कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत सत्यप्रकाश सिंह जी आपसे ही करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपकी पार्टी के एक बड़े नेता हैं, कैबिनेट मंत्री भी हैं, आप अक्सर कई तरीके के बयान उनके सामने आते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने कह दिया है कि आदिवासी हिंदू नहीं हैं, हिंदुओं से अलग हैं आदिवासी। अब इस बयान के मायने क्या हैं, मतलब क्या है, जरा वो थोड़ा सा समझा दीजिए। देखिए शुभेंदु जी, जो हमारे कैबिनेट मंत्री जी ने जो बयान दिया है, जो बात बोली है, मैं 2-3 बातें इसमें बोलना चाहूंगा। देखिए सबसे पहले तो मैंने उनका पूरा बयान सुना। उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा है कि वो सनातनी नहीं, हिंदू की बात की। देखिए, और हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, हर किसी को हक है, चाहे वो अमीर गरीब, किसी भी जाति धर्म का हो, किसी प्रदेश या देश का मंत्री भी हो, वरिष्ठ नेता किसी पार्टी का, वो अपनी बात रख सकता है। तो वो एक आदिवासी होने के नाते उन्होंने आदिवासी का जो दुख दर्द है उसके बारे में उन्होंने बयां किया है कि आदिवासियों की परंपरा अलग है, आदिवासियों के तीज त्योहार अलग है, उनका पूजा पाठ पद्धति अलग है। तो उस हिसाब से उन्होंने आदिवासियों के हक के बारे में, आदिवासियों की जो बातें हैं, उन्होंने अब अपने विचार प्रकट किए। और सबसे बड़ी बात शुभेंदु जी, मैं आपके सामने एक बात बोलना चाहूंगा कि सबसे बड़ी बात ये आती है कि उनको ऐसा बोलना क्यों पड़ा। देखिए मंत्री है ठीक है, मगर सबसे पहले वो आदिवासी है, उनको ऐसा बोलना क्यों पड़ा? क्योंकि केंद्र सरकार की जो नीति है, रमन सरकार की जो खराब नीति हुई है, आदिवासी को जो हाल हुआ, चाहे वो आरक्षण को लेकर हो, चाहे पैसा एक्ट को लेकर हो, चाहे केंद्र सरकार मोदी जी ने आदिवासी की जमीन कुछ पूंजीपति को दे दी हो, तो ये हालात पैदा किए हों कि इनको ऐसा बोलना पड़ा।
सबसे बड़ी बात यही है सोचने वाली कि उन्होंने ऐसा बोला होगा। और मैं बार बार ये बोलूंगा कि उन्होंने ये नहीं बोला है कि वो सनातनी नहीं, हर आदिवासी हो, हर ऐसी ऐसी स्थिति क्यों बन गई कि उनको आप कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति बन गई जिसकी वजह से कवासी लखमा जी को ये कहना पड़ा, तो ऐसी स्थिति बनी क्या है, क्यों आखिर उन्होंने अपने आप को, आप कह रहे हैं कि सनातनी होने से इनकार नहीं किया लेकिन हिंदू होने से गुरेज कर दिया, अब इसका मतलब तो बताइए, अंतर तो समझा दीजिए। हिंदू नहीं, हिंदू हिंदू, देखिए मैं वही बार बोल रहा हूँ ना, हिंदू हो या कोई भी मुस्लिम हो, कोई भी धर्म अपनाने का हर किसी को अपना हक है, उन्होंने अपनी बात की है, ये आदिवासी समाज तय करेगा कि वो किस धर्म को अपनाता है, मगर लेकिन लेकिन आदिवासी हिंदू से अलग है, यही तो ये कैसे कहा जा सकता है, अलग की बात नहीं कही उन्होंने, उन्होंने ये हिंदू से अलग की बात नहीं की, उन्होंने ये बोला कि उनकी पूजा पद्धति अलग है, उनकी रीति रिवाज अलग है, मतलब तो सर वही हो गया ना, जो भी तरीका कि वो कह रहे कि पूजा पद्धति अलग है, रीति रिवाज अलग है, मान्यताएं अलग है, आदि है ना, उन्होंने ये नहीं, तो इसका मतलब तो यही है कि हिंदू रीति रिवाज अलग है और आदिवासियों के रिवाज अलग है, वो हाँ आदिवासी को बहुत सारे रीति रिवाज हो गए, बहुत तीज त्योहार हो गए अलग है, हम अगर बस्तर की बात करें, वहाँ के अगर रीति रिवाज की बात करें, चाहे शादी ब्याह की हो, चाहे तीज त्योहार की बातें हो, तो उनकी अलग तरीके से मनाने का तरीका होता है, देश के अंदर हिंदू पूरे देश भर के अंदर बने हैं, अलग अलग जगहों पर रहते हैं और अलग जगह की उनकी संस्कृति के हिसाब से मान्यताओं के आधार पर उनके रीति रिवाज भी अलग होते हैं, तो अब वो ये कह देंगे कि हम हिंदू नहीं है। अच्छा मैं एक चीज आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि कवासी लखमा जी ने जो बयान दिया, अब कांग्रेस पार्टी ये मान रही है कि बयान ठीक है? नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, कवासी लखमा जी ने जो बयान दिया है ये आदिवासी समाज तय करेगा कि वो किस धर्म को अपना रहे हैं, किस धर्म को मान रहे हैं, ये हम और आप तय नहीं कर सकते ना, आदिवासी समाज तय करेगा, ये कवासी लखमा जी तय करेंगे, मगर मैं अच्छा, कवासी लखमा जी ने तय कर लिया है कि वो हिंदू नहीं है, वो आदिवासी है, उन्होंने ये नहीं बोला है, वही उन्होंने आदिवासी समाज तय करेगा ना, वो कौन सा धर्म अपना रहे हैं, कौन से धर्म को मान रहे हैं, या वो अपने रीति रिवाज को मान रहे हैं, तो ये मैं बोल रहा हूँ, सनातनी तो है ना, वो हिंदू की बात कर रहे हैं, सनातनी तो है, उन्होंने ये तो नहीं बोला, पूरे बयान आप सुन लीजिए, ये नहीं बोला कि वो सनातनी नहीं है, हाँ ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि सनातनी नहीं है लेकिन वो कह रहे हैं कि आदिवासी जो है वो अलग है। ठीक है, मैं जरा चौहान साहब से एक रिएक्शन ले लेता हूँ और इसमें कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता लखमा जी के बयान को लेकर के थोड़ा ये कह भी रहे हैं कि उनका ये बयान ठीक भी है, ऐसी परिस्थितियां बन गई जिसकी वजह से उनको ये बयान देना पड़ा, लेकिन उनका ये कहना भी है कि वो सनातनी होने से इनकार नहीं कर रहे हैं लेकिन आदिवासी हैं, हिंदू से अलग है, ये वो कह रहे हैं। चौहान साहब, जैसे सत्य प्रकाश जी पूरे कंफ्यूज्ड हैं, वैसे ही इनके मंत्री पूरे कवासी लखमा जी कंफ्यूज्ड हैं, वैसे ही इनके भीष्म पितामह राहुल गांधी जी पूरे कंफ्यूज रहते हैं, ये रीति नीति है, इनको समझ में नहीं आता है, ये सिर्फ वोटों की राजनीति देखते हैं, करते हैं और कुछ नहीं है। आप मेरे को शुभेंदु जी ये बताइए कि सनातनी होता क्या है, ये कवासी लखमा जी को ये पता नहीं है कि सनातनी होता क्या है, और ये भी नहीं पता है कि आदिवासी का मतलब क्या होता है। आदिवासी का मतलब होता है कि जो आदि काल में वास करते हैं उनको आदिवासी बोला जाता है, और मैं बता दूं आपको, आदिवासी हमारा जो भारत जो भूखंड है, पहले पेंजिया नामक एक भूखंड था पूरे पृथ्वी पे, वो खिसक खिसक के सात आइलैंड बने, उसमें से जो भारत निकला है वो साउथ अफ्रीका से निकला है। इसका मतलब ये बोल दें कि कवासी लखमा जी हम साउथ अफ्रीकन है, हम सनातनी नहीं है, तो कवासी लखमा जी पहले तो आपको अपनी भाषा दुरुस्त करनी चाहिए। जो इंसान अपना शपथ पत्र पढ़ के नहीं बोल सकता है, वो सुन के बोल सकता है, वो दर्शन सिखा रहे हैं। नहीं नहीं ठीक है, अपना पर्सनल कमेंट ये कौन बोल रहा है, ये आपको अगर मान लीजिए कि आप आदिवासी की मतलब पद्धति को, आप जीवन शैली को बारे में, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं, सत्य प्रकाश जी कह रहे हैं कि ऐसी परिस्थितियां बना दी गई हैं। क्या परिस्थितियां कैसी बना दी गई है? लोकसभा की कमेटी की रिपोर्ट है जिसके तहत 20% से ज्यादा इनके जो बीजेपी के लोकसभा के सांसद है ना, अब मेरे को 5वीं से कम पड़े हुए, तो ये पहले अपने परिवार में देख ले, मेरे को अपनी बात, और इसीलिए न्यूज स्टेट के इस मंच से मैंने तुरंत ही टोक दिया उनको, इसीलिए मैंने तुरंत ही उनको बोल दिया। ठीक है, शुभेंदु जी, सबसे मेन बात ये है शुभेंदु जी कि कवासी लखमा जी के ये पहला बयान नहीं है, और पहले जब पत्रकार ने पूछा था कि बारिश क्यों नहीं हो रही है, तो उन्होंने बोला कि मैं भगवान को फोन लगाता हूँ तो बारिश होगी, इस टाइप के तो बयान है। अभी चार दिन पहले कर्मा जो विधायक है
वहां पर देवती कर्मा, उनको मुख्यमंत्री बोल दिया उन्होंने। तो ऐसे तो उलूल जुलूल बयान देते हैं, उनको कोई सीरियसली लेता नहीं। ऐसा कौन सा नहीं तो आप क्यों सीरियस ले रहे हैं? अगर आपको लगता है कि सीरियसली लेने वाले वो व्यक्ति नहीं है या इस तरीके से कह रहे हैं तो आप छोड़ दीजिए फिर, वो उनका व्यक्तिगत बयान है, वो मान करके आप छोड़ दीजिए फिर। सुनिए, उसके पीछे क्या कारण है मैं बता रहा हूँ आपको। उसके पीछे ये कारण है कि ये कांग्रेस की सोच को दर्शाती है। और जो ये बोल रहे हैं ना कि मैं आदिवासी का पहला मतलब हितैषी हूँ, उसके बाद कांग्रेस पार्टी का हूँ, तो मैं बता दूं कि उस समय कहाँ गए थे जब वो अपना राष्ट्रपति चुनाव हो रहा था और द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में जब वोट डालनी थी तो कहाँ गए थे कवासी लखमा जी, कहाँ गए थे ये आदिवासी के हितैषी उस समय कहाँ गए थे? तो 32% से 20% हो रहा था तब कहाँ गए थे ये? तो ये आदिवासी के हितैषी से पहले अपनी कुर्सी के हितैषी है, अपनी पार्टी के हितैषी है। आपने बहुत सारे आरोप लगाए, जवाब लूंगा सत्य प्रकाश जी से, लेकिन जरा वरिष्ठ पत्रकार जी लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए उचित शर्मा जी, जरा जल्दी से एक रिएक्शन। उचित शर्मा जी, अब ये जो बयान है और इस बयान के बाद जो इसको लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं कि आदिवासियों से अलग हिंदू धर्म, लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सत्य प्रकाश जी ये कह रहे हैं कि सनातन होने को लेकर के उन्होंने ये गुरेज नहीं किया है। अब जरा हिंदू धर्म और सनातनी होने की परिभाषा जो नए सिरे से गढ़ी जा रही है या जो बता रहे हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, इसमें कितना दम नजर आ रहा है? और आपको नहीं लग रहा कि इस पर सियासत होगी और बैठे बिठाए बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है? नहीं देखिए, ये हिंदू आदिवासी हिंदू हैं कि नहीं, ये जमाने से लोगों के और राजनीतिक ऋषियों के मुख्तलिफ बयान आते हैं शुरू से। हकीकत ये कि जो वो मांग कर रहे हैं कि वो अलग से धर्म कोड की मांग कर रहे थे कि सब धर्म के कोड संविधान, हिंदू धर्म के लिए, मुस्लिम धर्म के लिए, बौद्ध धर्म के लिए, जैन धर्म के लिए, तो वो उस कोड की मांग कर रहे हैं। हकीकत ये है कि संवैधानिक रूप से ये अपने को हिंदू है भी नहीं और मानते भी नहीं। आप हेमंत सोरेन का भी बयान अगर आप देखेंगे, मुख्यमंत्री झारखंड, तो उनके बयान भी थोड़े से ऐसे ही है, यही है। आप ये आरोप नहीं लगा सकते कि कम पढ़े लिखे हैं तो उन्होंने ऐसा बोला। हेमंत सोरेन जी ने भी वैसे ही बयान दिए, हेमंत सोरेन भी वही बोलते हैं कि हम हिंदू नहीं है और हिंदू होंगे भी नहीं, तो उनकी अपनी चीज है। तो इसको लेके एक बड़ी जिरह पूरे व्यापक स्तर पे होनी जरूरी है, बताना जरूरी है, क्योंकि 1951 के बाद की जनगणना में इनको आदिवासियों की जो कैटेगरी है वो खत्म कर दी। लेकिन किसी व्यक्ति विशेष के कहने भर से क्या पूरा आदिवासी समाज अपने आप को हिंदू धर्म से अलग कर लेगा? नहीं, ये व्यक्ति विशेष की बात नहीं है सर। हाँ। ये सीएम झारखंड में भी सेम बात कही। हाँ। व्यक्ति विशेष पे मैं नहीं जा रहा हूँ कि वो कम पढ़े लिखे हैं, उन्होंने इस तरीके से बयान दिया। देखिए, विवाद और चीजें किसी कम पढ़े लिखे से विवादित बयान जारी हो ये जरूरी नहीं है। मोहन भागवत बहुत पढ़े लिखे पशु चिकित्सक, उन्होंने भी बोला पंडितों के ने पूरा बांट दिया है, तो वो गलत बयान चीजें कहीं बयान किसी से भी हो सकती है। वो बात नहीं है कि गलत बयानबाजी के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब बड़े सवाल उठ रहे हैं। जरा सत्य प्रकाश जी के पास जरा जल्दी से वापस लौटता हूँ। सत्य प्रकाश जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी ये कह रहे हैं कि ये जो बयान है सिर्फ ये संयोग है या इसके पीछे कोई प्रयोग भी है? देखिए शुभेंदु जी, मैं ये बोलूंगा, सबसे बड़ी बात कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। ठीक है, उनके पास चुनाव आ रहा है, इसी चुनाव के साल में हम चल रहे हैं और इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा नहीं होने का कारण है कि लखमा जी ने क्या बोला उस पर भी ये राजनीति कर रहे हैं, उस पर भी राजनीति रोटियां सेक रहे हैं। ये इनके मुद्दा विहीन इनकी जो राजनीति है छत्तीसगढ़ में चल रही है। लेकिन ये अभी आदिवासी की हितैषी बात कर रहे थे, इनके तो प्रदेश अध्यक्ष रातों रात आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष बदल देते, रात में बेचारे सोते सुबह उनको पता नहीं चलता कि प्रदेश अध्यक्ष है। तो रमन सिंह के टाइम में फर्जी केस करके जेल में आदिवासी को डाल देते हैं। ऐसे ऐसे कांड होते हैं जहां भाई बहन जो आदिवासी भाई बहन के ऊपर रेप किया जाता है। तो इनके रमन सरकार की कुरूसियों के कारण ही आदिवासी 15 साल, जबकि उनको आगे हो आ जाना चाहिए था, 15 साल भाजपा ने शासन किया, मगर आदिवासी को अगर हाल की बात करें, उनकी जीवन की बात करें, जीवन स्तर वही है। 15 सालों में अगर चाहते तो आदिवासी का स्तर कहीं भी जा सकता था, मगर देखिए कहाँ रह गए, वही है वो। और हमारे तो कह रहे हैं कि अगर कोई मुलाकात करनी थी, कहीं अगर कोई चिट्ठी लिखनी थी, तो इतना लंबा आपका जो कार्यकाल है वो हो गया है और अब अपने अंतिम समय पर आ चुका है, तो अब आकर के ही सिर्फ आदिवासियों के ध्यान क्यों आ रहा है, क्यों उनके बारे में विचार इस समय? हमेशा ध्यान दे। देखिए, आरक्षण की बात कर लीजिए, इनके तो बजट में आदिवासी के लिए पूरे भारत वर्ष के आदिवासी 15,000 करोड़ का बजट रहा था, जबकि हमारी 4 साल हमारी सरकार ने 50,000 करोड़ आदिवासियों के जेबों में डाल दिया है। तो ये हमारी सरकार है आदिवासी के हितैष के काम करे। बस्तर का बात कर लीजिए, सड़कों की बात कर लीजिए, वहाँ आज कॉफी का प्रोडक्शन हो रहा है, वहाँ पे स्कूल बन रहे हैं,
बस्तर में 300 स्कूल बंद कर दिए गए थे, वहां हम लोग स्कूल खोली, आत्मा स्कूल खुल रहे हैं। तो ये हालात है अभी के, मगर अगर आप पहले की बात की जाए की करें तो वहां पे बस्तर में नक्सलियों का घर था। आज देखिए तो नक्सली घटनाएं कम है, एनसीआरपी की डाटा ये बता रही है कि नक्सली घटनाएं कम है, ये हम नहीं बता रहे, एनसीआरपी की डाटा बता रही है, होम मिनिस्ट्री की डाटा। तो सबसे अगर बेहतर काम कर रही आज ये बीजेपी जो है वो सिर्फ चुनाव के तहत करती है। देखिए इनके मोहन भागवत जी का कल का बयान देख लीजिए, राजनीति इनको हर एंगल से करनी है, धर्म का नाम लेंगे मगर उसमें भी ये संत लोगों को पुजारी लोगों को कैसे ठगने का काम कर रहे हैं। और उसके बाद नड्डा जी का देख लीजिए दौरा, नड्डा जी क्यों आदिवासी क्षेत्र में जा रहे हैं, इनको मालूम है कि आदिवासी इनसे दूर हो जा चुका है, आदिवासी के पास नहीं आएगा। लखमा जी जो आदिवासी नेता, इतना बड़ा जो चेहरा है बस्तर का आदिवासियों के जो नेता है, उनके सामने इनको खड़ा करने के लिए कोई एक आदिवासी नेता नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक राजनीति करने के लिए बात करें। अगर ये चौहान जी बैठे ये बता दे कि बस्तर में लखमा जी के सामने कौन खड़ा होगा, छत्तीसगढ़ में आदिवासी कोई बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, बस्तर में लखमा साहब के सामने कौन खड़ा होगा वो चुनौती खुल करके दे रहे हैं और पब्लिक डोमेन में आकर के कह रहे हैं, न्यूज स्टेट के मंच पर वो कह रहे हैं कि आप बता दीजिए कौन उतरेगा, साफ हो जाएगा। और क्यों आदिवासियों को साधने के लिए आपको डर है क्या कि आदिवासी आपसे छिटक गए हैं, जवाब दीजिए जरा चौहान साहब। देखिए शुभेंदु जी, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी, हम पहले भी बोल चुके हैं कि अपने कामों के आधार पे, अपनी विचारधारा के आधार पे लड़ती है। और जो आदिवासी जो आप बोल रहे हैं जो क्षेत्र में है, तो आदिवासी के जो हितैषी कौन है, जो एक सर्वोच्च स्थान पे किसने बिठाया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने बिठाया है। और वो आदिवासी समझते वो आदिवासी आम जनता जो है ना वो समझेगी, जिससे राजनीति करना है वो तो बयानबाजी करेंगे ही करेंगे। लखमा जी आदिवासियों के तेजी अपने आप को बता रहे हैं, ये तो कह अच्छा ठीक है ठीक है। सत्यप्रकाश जी एक मिनट जरा सुनिए सुनिए, हाँ बताइए चौहान साहब। 20% से 32% किसने किया था, तो रमन सरकार ने किया था। और वहां पर एक भी यूनिवर्सिटी, एक भी कॉलेज, एक भी बस्तर में एक भी कॉलेज इनके चार साल में खुला हो ये बता दीजिए, एक भी हॉस्पिटल खुला हो तो बता दीजिए, एक भी कुछ डेवलपमेंट हुआ हो तो बता दीजिए। आप 100 किलोमीटर रोड की आप सिर्फ मरम्मत नहीं कर पाए हैं बस्तर में, 100 किलोमीटर रोड की आप क्या बात करते हैं। और दूसरी बात यह है कि आदिवासी के होना एक अलग बात है और आदिवासियों पर राजनीति करना एक अलग बात है, जो कि कवासी लखमा जी कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। बाकी अगर आदिवासी के हितैषी होते तो आदिवासियों के साथ खड़े हो। नहीं, आपके कहने पर से आदिवासियों से अलग हो जाएंगे क्या और वो बड़े नेता नहीं होंगे क्या? मैं ये नहीं, मैं कोई आधार तो होगा ना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। सुनिए शुभेंदु जी, सिर्फ जो सुनी सुनाई बात करता है ना वो है उस टाइप के है कवासी लखमा जी, जो सुझी सुझाई बात नहीं करते, अपने दिमाग लगा के, अपने मतलब कुछ लगा के। चलिए ठीक है, अब ये बड़ा सवाल बन चुका है कि जो आदिवासी नेता हैं या आदिवासी लोग हैं तो आखिर किसको अपना हितैषी मान रहे हैं, किसको अपना हमदर्द मान रहे हैं, किसको अपना नेता मान रहे हैं, जरा इस बात को समझ लेते हैं। सर्वादिवासी समाज से नेता सुभाष सिंह जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सुभाष सिंह जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर, लेकिन सबसे पहले सवाल यही कि कवासी लखमा साहब की तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया, बयान दिया गया कि हिंदुओं से अलग हैं आदिवासी, सबसे पहले इस पर एक रिएक्शन, और क्या कवासी लखमा जी को आप अपना नेता मानते हैं, सर्वादिवासी समाज इस बात को स्वीकार करता है, क्या वो अलग से कोई कोर्ट बनाने की मांग करते हैं जो कवासी लखमा साहब कर रहे हैं? जनरली आप सबको जोहार। आदिवासी समाज एक अपनी रूढ़िजन परंपरा से जाना जाता है, उनकी एक विशेष संस्कृति संस्कार है, ये तो पूरी दुनिया मानता है, और इस हिसाब से अपनी एक अलग पहचान, जैसे हिंदुत्व को किसी जाति से नहीं बोल सकते, एक विचारधारा, एक जीवन पद्धति के रूप में समय समय बहुत सारे लोगों ने उनको स्वीकार किया है। तो लखमा जी का इसी वक्तव्य पे आया होगा, मैंने भी बहुत अच्छे से सुना नहीं है, फिर भी अगर ये बात आई है तो कहीं बहुत दिनों से एक ये चल रहा है विचार पूरे देश में कि आदिवासी के लिए एक धर्म कोड हो। हम किसी से अलग नहीं है, हम पूरे भारतीय संस्कृति के साथ अंगीकार करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं, और सबके साथ हमारा सामंजस्य है।
और अपनी एक विशिष्ट पहचान जो रूढ़ी जन परंपरा पे है, जो भारत देश पे हम लोग शुरू से मूल निवासी अपने आप को मानते हैं। तो मेरा मानना है कि लखमा जी ने उन्हीं शब्दों के साथ उस बातों को रखा होगा। इसका यह मतलब नहीं कि हम बिल्कुल किसी से कट गए हैं, हम सबके साथ हैं। बाकी हमारी रूढ़ी जन परंपरा को हम भुला नहीं सकते, हम उसे स्वीकार करते हैं। हम पूरे देश में अपनी एक विशिष्ट जो हमारी पहचान है, हम उसको कायम रखना चाहते हैं। मेरा मानना है मंत्री जी ने उसी संदर्भ पे बात रखी होगी। हाँ। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि इस पे विवाद खड़ा करने की आवश्यकता नहीं। विवाद यहाँ से शुरू हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि हम हिंदू धर्म से अलग हैं। देखिए, हिंदू तो कोई धर्म नहीं है, उसपे तो बौद्धिस्ट भी है, उसपे जैनी भी है, उसपे सिख भी है। हाँ। और कई अनुसांगिक है इसी प्रकार से। तो आदिवासी अपने आप को हिंदू धर्म में मानते हैं कि नहीं मानते हैं? आप हिंदू धर्म क्यों बोल रहे हो आप आदिवासी? ये तो विवाद की जड़ है ना। हाँ। हिंदुत्व पे सब अलग अलग हिंदुत्व नहीं, हिंदू धर्म लोग हैं। हाँ। हिंदू धर्म देखिए, मैंने पहले भी कहा कि हमारा कल्चर ही अलग है। हाँ। और ऐसा नहीं कि हम हिंदुत्व से अलग हैं। देश की एक विचारधारा है, एक मतत्व है हिंदुत्व, उसी के साथ हम सब चलने वाले लोग हैं। ठीक है, बाकी अपना हमारा कल्चर रूढ़ी जन परंपरा है। ठीक है, यानी कि हिंदुओं से अलग नहीं है, लेकिन अपना एक अलग से कोर्ट मांग उसको लेकर के की जा रही है, उसको वो स्वीकार भी कर रहे हैं, मांगा जा रहा है। ठीक है, ठीक है। अजय शर्मा जी, अब ये जो कोर्ट की मांग है, सिर्फ लड़ाई यहीं तक है, लेकिन कवासी लखमा साहब एक स्टेप आगे निकल गए, हिंदुओं से आदिवासियों को अलग बता करके, ये सियासत का असल में मुद्दा है। जी, वो धर्म कोड, अपना एक धर्म कोड मांगे, उन्होंने मांग की है तो पहले से चली आ रही है। हकीकत ये कि 1951 के पहले इनको अलग से धर्म कोड में, इनकी जनसंख्या की गणना जो होती थी वो अलग होती थी, लेकिन 51 के बाद इनको नहीं माना गया। लेकिन अभी जो मांग हो रही है, वो आदिवासी समाज जो मांग रहा है कि हमारे हिसाब से धर्म कोड अलग हो। हालांकि बहुत सारी चीजें अपने अपने बयान है कि वो हिंदू धर्म से कुछ मिले हुए हैं, कुछ अलग हुए हैं। आदिवासियों को हिंदू धर्म से अलग बता करके ये नई तरीके की सियासत छेड़ दी है, और इसी को लेकर के बीजेपी हमलावर है। लेकिन बात यह है कि सिर्फ कोर्ट तक बात अगर सीमित होती तो शायद इतना ज्यादा ये मसला आगे नहीं बढ़ता। खैर, समय का अभाव है, समय थोड़ा सा कम है। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन आदिवासियों